अब कोरोना आ गया, लॉकडाउन आ गया, सबकी नौकरियां गईं, जॉब्स गईं, सब बंद हो गया, कुछ करना है। उस रात तो मैंने दाल बनवा ली घर से और हम बांटने निकल गए। ऑलमोस्ट कोई 50 और 70 पीसेस थे, घर से बनवाए चले गए। सब नॉर्मल जा रहा था, हमने बांटे सबको। एंड में कोई एक आध रोटी जो है वो ठंडी रह गई। बस मैं अभी भी अपने फुल भरे हुए दिल से आपको ये बताना जा रहा हूँ कि जब मैंने उस अंकल को जब वो रोटी दी है, हम लोग चले गए, मैंने पीछे मुड़ के उन अंकल को देखा, हसन भाई आप भी बिलीव नहीं करेंगे, वो रोटी गीली करके खा रहे थे। बस वो बात मेरे दिल को लगी और रात में जब मैं घर आया सोने लगा तो मैंने सोचा कि भाई अब तो कुछ करना है। बस वो मैंने सोचा, मैंने डोनेशन के लिए पहली वीडियो बनाई, डाला पेज पे, लाइव्स किए तो अच्छी खासी डोनेशन आई, हमने कोई 50-60 राशन कर दिए। इत्तफाक से जब हमने 75 राशन कर दिए, कोई प्लान नहीं था मेरा, हम लोग JDC गए, वहाँ पे गए तो जफर भाई मुझे पहचान गए कि इसको तो देखा है वीडियोस में। उन्होंने जिस दिन उस दिन मेरी वीडियो बनाई है वहाँ पे, और उस रात से आज के दिन तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 6000 प्लस राशन बैग्स बांटे। माँ बाप ऐसा करेगा कि एक बच्चे की यानी पढ़ाई स्किप कर रहा है, वो ऑनलाइन क्लासेस कुछ टाइम के लिए उसने स्किप कर दी, स्कूल में है मगर पढ़ाई कुछ टाइम के लिए स्किप कर दी, और जब वो बाहर जा रहा है तो गरीबों की मदद कर रहा है। मेरा भी दिल चाहता है मैं पढ़ाई करूं, मेरा भी दिल चाहता है मैं क्रिकेट खेलूं गली में अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरा भी दिल चाहता है मैं पबजी रोज़ खेलूं, मेरा भी दिल चाहता है मैं प्लेस्टेशन रोज़ खेलूं, मगर नहीं, जब मैं बाहर जाता हूं ना और जो बाहर की जो एक इमेज आ जाती है आपके सामने, एक स्क्रीन आ जाती है कि एक बंदा चुप है, मांग नहीं रहा मगर वो यूं बैठा हुआ है इस टेंशन में कि मैं जाके अपने बच्चे को क्या मुँह दिखाऊंगा, मैंने उसको क्या देना है, भूखा सुनाना है। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊंगा, अभी अजान हो रही है, मुझे NGO का मतलब भी नहीं पता था। मार्च में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था मुझे NGO का मतलब भी नहीं पता था। जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझाना शुरू किया ये होता है ये होता है ये होता है, मैं उसी तरह डेवलप होता गया और मैंने ये काम शुरू किया। जो गरीब आवाम जिनको हमारी इस टाइम पे ज़रूरत है उनको कौन देखेगा, आप मुझे इस बात का जवाब दें। अगर हम मुसलमान मुसलमान भाई हैं तो इसका हमें मकसद भी तो बताना है कि भाई हम हैं भी या नहीं हैं। अल्लाह का ये हुक्म है कि अगर तुम मेरे बंदे की मदद करोगे तो मैं तुम्हें इतना दूंगा कि हद नहीं। एक बंदे ने इजी पैसा पे हमें 50 रुपए दिए, 50 रुपए में एक गरीब की 5 रोटियां आ जाती हैं, 50 रुपए में हल्की थोड़ी सी चीनी आ जाती है, 50 रुपए में थोड़ा सा आटा आ जाता है, 50 रुपए में थोड़े से चावल आ जाते हैं। हमें ये देखना है कि हम एक राशन में उस 50 रुपए से भी कितनी चीजें एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये काम शुरू करने का मकसद ये होता है कि इसमें एक अगर मेरे पास यहाँ पे 1 लाख रुपए पड़े तो इस 1 लाख रुपए में से 1 रुपया भी मेरी जेब में नहीं जाना चाहिए, ये सब गरीबों में जाना चाहिए क्योंकि कलेक्ट हम उनके लिए कर रहे हैं। बारिश हुई, इसमें हम लोग ने लोगों को सरजानी टाउन में बहुत खाना बांटा, बहुत हेल्प की, पर्सनली हमने बहुत हेल्प की, बिना किसी डोनेशन मांगे हमने हेल्प की उन्हें वहाँ जाके। मगर अगर यानी किसी हमारी बहन को जहेज की ज़रूरत है, शादी में मसला है, किसी टीनेजर को नौकरी नहीं मिल रही जबकि वो बहुत अच्छा एजुकेटेड है, हम उन्हें उसमें हेल्प कर सकते हैं हम लोग, अगर हमारे पॉसिबल होगा। हमें ये सारे हमारी आवाम पब्लिक जो हमें डोनेशन अभी भी दे रहे हैं वो देंगे तो हम ये भी करेंगे। मगर मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं ही क्यों, मैं हसन अदील ये काम क्यों कर रहा हूँ, ये काम तो गवर्नमेंट का होना चाहिए, वो उन्हें ये काम करना चाहिए, हम लोग क्यों कर रहे हैं ये काम। हसन भाई हम लोग वीकेंड्स पे बांट रहे हैं, पहले हम लोग डेली बेसिस पे बांटते थे, अब हम वीकेंड्स पे बांट रहे हैं, यानी सैटरडे संडे और फ्राइडे हमारे खाने बढ़ते हैं रोज़, ऑलमोस्ट कभी 100 बढ़ते हैं, कभी 60 बढ़ते हैं, कभी रोल्स बढ़ते हैं, कभी समोसे बढ़ते हैं, और उसके साथ जूसेस पानी ड्रिंक्स वगैरह सब होता है। कि जैसे JDC काम करता है उनके पूरे अपने अपने दस्तरखान है अलग अलग जगह पे, और वो लोग तो भाई बेतहाशा जफर भाई काम कर रहे हैं, उनको सल्यूट है। पहले ही उन्होंने मुझे पहले तो उनकी वजह से मैंने इतने सारे राशन बांट दिए, उनकी इसमें बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन थी। मगर मैं चाहता हूँ जो दस्तरखान है, जैसे JDC के दस्तरखान लगते हैं, सैलानी के लगते हैं दस्तरखान, वैसे भूखे नहीं सोएंगे के भी दस्तरखान लगे। मैं चाहता हूँ कि उन दस्तरखानों से जो इंशाल्लाह नेक्स्ट से नेक्स्ट ईयर या जब भी जिस तरह से डोनेशन आएंगे उस तब, जब भूखे नहीं सोएंगे के दस्तरखान लगेंगे, तब कोई बंदा भूखा ना सोए। मेरा एक ख्वाब है कि अगर कल को मैं इंतकाल भी कर जाता हूँ ना अगर, तो मेरे घर वालों को मैं एक वसीयत दे के जाऊँगा कि आप लोग ने ये काम जारी रखना है, चाहे मेरे मेंबर्स को जितनी